जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और आपकी YouTube चैनल दिया जापान में। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं संदीप रेड्डी वांगा सर की एक मोस्ट फिल्म एनिमल, जिसको मैंने देखा भाई बता नहीं सकता, मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन मूवियों में से एक है और ये सबसे टॉप पर है, यानी कि सबसे बेस्ट है। तो भाई इससे आगे क्या हो सकता था, इतना एक्शन है इसमें, इतना लव है यानी कि अपने डैड के लिए, पिताजी के लिए, बच्चे का प्यार जो होता है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टैंडर्ड है और ऐसा होना भी चाहिए। तो अब ऐसी बात है, फिल्म की स्टोरी तो हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इसके जो लास्ट में क्रेडिट सीन दिया गया है, क्योंकि रेड्डी सर जी को पता था, क्योंकि अभी जो है यूनिवर्स यानी कि मूवीज़ को एक दूसरे से जोड़ने का काम चल रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं जोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने पहले से ही इसको कनेक्ट करके रखा है कि आगे मूवी आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। अब एनिमल 2 नाम से आएगा या कुछ और होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमें देखा गया, रणबीर कपूर जो जानवर बना है ना मूवी में, जो एक्शन किया है ना, वो सच बता रहा हूँ अभी तक सनी देओल का एक्शन फेल है इस बंदे के आगे। बहुत कमाल का मूवी है और आप लोग जाकर देख सकते हो, नहीं देखी है तो भाई सिर्फ और सिर्फ थिएटर में देखना, वो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। वो भाई राम राम है ऐसे बंदे को जिसने एक्शन और सब कुछ पेला। इसमें गंदी गालियां भी हैं, डायलॉग्स भी हैं, सब कुछ हैं जो एक नॉर्मल फैमिली के लिए नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी उन पर आप लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मूवी की जो स्टोरी है और फर्स्ट हाफ जो इतना कमाल का है। अब इसके जो लास्ट पार्ट में जो हमें वो दिखाया गया है, वो हमें ये दिखाया गया है क्योंकि रणबीर कपूर का डबल रोल है, जो कि हमें इसमें दिखाया गया था कि रणबीर कपूर को फंसाने के लिए एक लड़की भेजी गई है बॉबी देओल के जरिए। अब बॉबी देओल को बताया गया था कि जो वो बता रही थी रणबीर कपूर को, यानी कि हमारे एनिमल को, कि उसका जो है बॉबी देओल का छोटा भाई है, जो कि तुम्हें मारने के लिए बॉडी डबल उसको मतलब सर्जरी करके तुम्हारे जैसा हूबहू बना रहा है। अब वैसा बनाया है वो हमें इसमें, जैसा कि उसने रणबीर कपूर ने यानी कि एनिमल ने बॉबी देओल को मार दिया था, जो कि उसका भाई था इस फिल्म में। अब उसका भी भाई एक है जो कि इसको पता नहीं है, जैसा कि उसने बताया था, लेकिन अंदाजा है, लेकिन फिल्म में आगे स्टोरी नहीं बताई गई, सिर्फ इतनी बताई गई कि वो रणबीर कपूर की हम शक्ल उसने ले ली है और जो कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए हुई है। अब वो उसका जो वायलेंस दिखाया गया ना, वो इतना चाकू मारता है एक बंदे में, जो कि यानी कि एनिमल के खुद के जो दोस्त था, उसका भाई था यानी कि वो, तो उसको सामने उसने बांध रखा है, उसके सामने इतना सारा खून, जैसा कि खुद हमारा जानवर जो एनिमल है रणबीर कपूर, तो राणा वो उसने भी इतना नहीं किया, वो उतना उसने एक ही बंदे को मारने में कर दिया भाई। अब वो मूवी जो है आगे नेक्स्ट पार्ट में आने वाली है और वो रणबीर वर्सेस रणबीर होने वाली है, और जब एक ही बंदा दो रोल में दिखेगा ना और आमने सामने लड़ते हुए, भाई इमेजिन नहीं कर सकता मैं कि मूवी कहाँ जाने वाली होगी भाई। KGF, पठान, जवान और ये गदर 2, सबकी माँ बहन एक कर देगी मूवी। और ये कब आएगी, इसकी अनाउंसमेंट तो आगे जाके हो ही जाएगी कुछ दिनों में, लेकिन इसके लिए भाई मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो करने लगो भाई, ऐसी मूवी बार बार नहीं मिलती देखने को। तो बने रहेगा हमारे YouTube चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तो हमेशा मिलती रहे। जय हिंद।